बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन शेड्यूल को चौथी बार बदल दिया गया है। इसके बारे में शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का तर्क है कि कई जिलों में रोस्टर क्लियर होने में देरी की वजह से शेड्यूल में संशोधन किया गया है। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जनवरी की जगह मार्च में खत्म होगी और इसके बाद ही प्राथमिक विद्यालयों में TET और CTET अभ्यर्थी शिक्षक पद पर ज्वाइन कर पाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरे जाने के लिए शिक्षक नियोजन प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक नियोजन के संशोधित शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक सभी शिक्षक नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जमा करने का अंतिम दिन 23 नवंबर तक ही है। नियोजन की अन्य प्रक्रिया की तिथियों में बदलाव किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति पत्र 31 मार्च तक दिया जाएगा, जबकि पहले शेड्यूल के तहत 16 से 20 जनवरी तक चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाना था। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी नियोजन इकाई को 5 तक मेगा सूची की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है, जबकि 11 दिसंबर तक मेगा सूची का नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदन और 16 दिसंबर तक मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तो बिहार के शिक्षकों के लिए ये बड़ा झटका है। 2 से 17 जनवरी तक मेगा सूची पर आपत्ति ली जाएगी, जबकि 21 जनवरी तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। सभी नियोजन इकाई द्वारा 25 जनवरी तक मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन करना जरूरी है। 14 फरवरी तक जिला द्वारा पंचायत और प्रखंड की मेगा सूची का अनुमोदन किया जाएगा। तो बिहार के शिक्षकों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर नहीं है। दरअसल अब उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। नियोजन के लिए अब उनको आगे की तारीख का इंतज़ार करना होगा। द गर्म पोस्ट की रिपोर्ट।